देखना इस साइड है, ओके अब बताए। सो फिलहाल ठंड बहुत हो रखी है और ठंडी हवा चल रही है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग फ्राइडे टाइम हो गया है 2:15 और चलो चलते हैं। और एक तो ब्लैक गाड़ी को मेंटेन करना इतना बड़ा मुश्किल है ना, पहले तो आगे इसको कपड़ा मारो, कपड़ा मार दिया, अब चलते हैं गाड़ी में। और एक आज बाइक का काम भी करवाना है, बुलेट का, तो चलो। ये भी सब अच्छा है इसका। और आज प्लान है, एक तो मैंने बाइक का काम भी करवाना है और दूसरा क्या कराना है मैंने। आज का मौसम वैसे बहुत ठंडा हो रखा है, इतना ठंडा हो रखा है कि क्या ही कहो। धूप तो आज है ही नहीं, धूप तो निकली नहीं आज बिल्कुल भी, धूप का तो नामो निशान ही दिखता हमारे। मौसम भी कह लो, ये कह रही ठंड भी कह रही है कि हाँ आज मैं ही हूँ मैं, बस और कोई है ही नहीं नामो। तो टाइम हो गया है 2:30 बजे, ठंड में ना वैसे कहीं निकलने का मन ही नहीं करता। आप भी सब घर पे ही होंगे मे बी, अगर कोई जरूरी काम होगा तभी बंदा जाता है, अदरवाइज कहाँ बंदा जाता है ना। सो घर पे रजाई में बैठ के चाय पी और पकौड़े खाए। आज तो फिलहाल संडे है, संडे के दिन वैसे बंदा ना फ्री होता है थोड़ा। सो बोनेट ओपन बंद है, एक तो गाड़ी में फिर ये एरर आ जाती है, एक तो गाड़ी में जब से चूहे आए हैं ना, अभी फिलहाल निकल तो गए हैं चूहे, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने करी दी है, वही है चेक करवानी पड़ेगी सारी गाड़ी। एक तो बस वाले ना बिल्कुल ऊपर ला के बस खड़ी कर देते हैं, और वही है रोड पे तो सोना ध्यान से चलना चाहिए बंदे को। से निकलते हैं, ये भी अच्छी है गाड़ी विक्टस। सफाई करवाने वाली होगी इसकी, हमारी शूज पहनिए, पहनते हैं फिर चलते हैं हम। सो फिलहाल ठंड बहुत हो रखी है और ठंडी हवा चल रही है, और मौसम भी देखो शावर वाला हो रहा है, लगता है बारिश आएगी। बारिश आ जाए तो ठंड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बंदा बाहर क्या खड़ा खड़ा बन हो जाता है। सो यहाँ से चलते हैं, उसके बाद फिर बाइक का थोड़ा काम करवाते हैं, और काम करवाते फिर दिखाते हैं थोड़ा सा। उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस बार, क्योंकि उसमें काम बहुत लंबा चौड़ा है बाइक में। सो अभी ना दिखाते हैं फिर आपको। अभी मैं बस यहाँ से निकलने लगा हूँ, और लेट्स गो चलते हैं। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट अपनी, और ये एवरेज दे रही है 16.2 की, सही है। अभी रेंज दिखा रहा है 157 किलोमीटर की फिलहाल। अभी है इसमें काफ़ी डीजल पड़ा है, तो डीजल पड़ी तो और डलवा लेंगे अभी तो फिलहाल। सो यहाँ से निकलते हैं। बंदे जब फ्रंट कैम से ऑन करता है तो ध्यान इधर जाता है, कैमरा इधर है, इधर देखना पड़ता है, बट फिर वही हो जाता है ना, थोड़ा उस साइड बंदा देखता है, देखना इस साइड है,
ओके अब बताए। टाइम हो चुका है 3:30, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ऐसे ये काम खराब करते हैं। बंद होगी रोड पे ऐसे गाड़ी वगैरह ना तंग करती है, ये मुश्किल हो जाता है, फिर एकदम से बंदा ब्रेक लगाए या क्या करे, दिक्कत करता है। एक तो इसको पैदल लेके जाना बड़ी आफत का काम है, बंदा फोन पकड़े या बुलेट पकड़े। अच्छा बुलेट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ये आज टाइम लगा है मस्त इसको ठीक करवाने का। इसके खड़े खड़े ना बैटरी डाउन हो जाती है, तो बिना बैटरी के स्टार्ट भी नहीं होता, तो बैटरी चेंज करिए इसकी पहले। बैटरी तो चेंज हो चुकी है बट इसमें फिर भी करंट नहीं आ रहा, तो देखते हैं शायद वायरिंग का चक्कर पड़ेगा इसमें। लापा होगा, 1.5 महीने भी नड़े बिंदा होया स्टार्ट ही नहीं किया। और सोच रहा हूँ 7 साल की सर्विस करवा लूँ, सर्विस करवाई हुई मुझे 1.5 साल हो चुका है MEP। हाँ ऑलमोस्ट सोच रहा हूँ इसकी सारी वायरिंग चेंज करा लूँ, सारी ना पुरानी है, जब से नया लिया है ना तब से वायरिंग वैसी है, चेंज ही नहीं करवाई एक बार भी। 1.5-2 साल हो चुका है, देखो इंजन ऑयल का कलर कैसा हो चुका है, बिल्कुल काला। जे भी कहता होगा हाँ मेरा टाइम आएगा। इस साइड से देखते हैं क्या निकलता है, लेट्स सी। इस साइड में तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, ये देखो नीचे ये ऑयल है या क्या है, है तो ऑयल ही बट इसका बन चुका क्या है, देखो क्या हालत हो रखी है। पानी चक रहा पानी उपर तीन डोलता इतना बंदा रहा देखा भी सर्कल करता हों गुरुद्वारे एक बंदा रहा सर्कल करता हों। सोच रहा हूँ इसका एयर फिल्टर भी चेंज करवा दूँ, चेंज करने वाला तो नहीं हुआ बट फिर भी करवा देता हूँ, मैं सर्विस करवा रहा हूँ तो एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। इस साइड का पूरा क्लीन हो चुका है, इसमें मैं मोबिल का इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ, कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये डलवा लिया मैंने इस बार। इसमें ना वायरिंग का ही इशू निकला, तो वायरिंग मेरे को पूरी चेंज करवानी पड़ेगी, देखता हूँ कब करवाता हूँ, नेक्स्ट टाइम करवाता हूँ इसकी वायरिंग चेंज पूरी। ये हम काम सौखा करता हूँ ना रात हो चुकी है, बज चुके हैं 7:00।
इसको ना बहुत टाइम लगता है बुलेट को ना, पुराने वाले बुलेट को, इस साइड खोलो उस साइड खोलो। सो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, बट हाँ थोड़ा सा धुआं मार रही है अभी तो फिलहाल, और बट फाइनली स्टार्ट हो चुकी है भाई, तो बस इसको लेके निकलते हैं घर। आई होप गाइस जी आपको ब्लॉग अच्छा लगा गिव अ थम्स अप, अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय।